हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईक्यू टैब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 जो है उसको हमने फिनिश किया था, जहाँ पे मेनली हमने फोकस किया था गुप्ता डायनेस्टी के ऊपर एंड दी पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी के ऊपर। ठीक है, यानी किस तरह से गुप्ता डायनेस्टी पावर में आती है, उनके अंदर कौन कौन से किंग्स थे, उनका क्या क्या टाइटल था वो हमने देखा, किन सोर्सेज के बारे में हमें गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पता चलता है वो भी हमने देखा, एंड देन पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी में किस तरीके से गुप्ता डायनेस्टी का जब डिक्लाइन होता है तो कैसे छोटे छोटे जो रीजनल किंगडम्स है वो फॉर्म होते हैं। नॉर्थ में हर्षवर्धन बेसिकली पावर में आते हैं, साउथ में आपको चालुक्य और पल्लवा डायनेस्टी देखने को मिलती है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। यानी मेनली जो हमारा फोकस था चैप्टर नंबर 9 में वो पॉलिटिकल चेंजेस यानी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर किस तरह से गुप्ता और पोस्ट गुप्ता में देखने को मिलता है उस पर हमने फोकस किया था। अब जो चैप्टर नंबर 10 है बेसिकली हिस्ट्री का, यहाँ पे बेसिकली फोकस किया जा रहा है बिल्डिंग, पेंटिंग एंड बुक्स में। यानी कि चैप्टर नंबर 10 अगेन आपको गुप्ता और पोस्ट गुप्ता के बारे में डील करेगा, और यहाँ पे जो मेनली फोकस होगा वो आर्कियोलॉजिकल डेवलपमेंट के ऊपर होगा कि कौन कौन से आर्कियोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई हैं ड्यूरिंग दी फेज ऑफ गुप्ता और पोस्ट गुप्ता डायनेस्टीज के टाइम पे, कौन कौन सी बिल्डिंग्स को डेवलप किया गया है, टेम्पल आर्किटेक्चर किस तरीके से हुए हैं, स्तूपास का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, लिटरेचर कौन कौन से यहाँ पर डेवलप हुई हैं, और कौन कौन से जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं उन्होंने किस तरीके से यहाँ पे मतलब किन किन चीज़ों के बारे में मेंशन किया, तो वो सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो हम डिटेल में देखने वाले हैं, सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि जो आयरन पिलर है वो बेसिकली किस तरीके से उस वहाँ पे शो करता है उसकी स्किल को, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। एंड देन देखेंगे जो इस टाइम पे जो बिल्डिंग्स वगैरह बनती थी वो दो प्रकार की थी, स्टोन की थी और कुछ ब्रिक की थी, उसको जानने की कोशिश करेंगे। और मेनली जो हमारा फोकस होगा वो टेम्पल स्ट्रक्चर, क्यों किस तरह से बनता था। टेम्पल में आपको देखने को मिलेगा नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल, द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल और बेसिकली वे सारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। ये तीन तरह के जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। एंड देन स्तूपास का डेवलपमेंट कैसे होता है वो भी हम देखेंगे, और इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे किस तरीके से जो लिटरेचर्स वगैरह डेवलप हुई हैं, ठीक है, कौन कौन सी जो बेसिकली साइंटिफिक बुक्स निकली हैं उन बुक्स के बारे में भी हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है मेटलर्जी के बारे में, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि जो गुप्ता डायनेस्टी थी वहाँ से जो हम कह सकते हैं कि नॉर्मली देखो आयरन का यूज़ तो हम स्टार्टिंग से मतलब आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से मेगालिथिक एज के टाइम पे हमें आयरन के कुछ टूल्स मिले थे, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ से हम देखने की कोशिश करेंगे तो आयरन में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट, कुछ ना कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलेगा, किस तरह से आयरन के मिलने के बाद कितनी चीज़ें जो हैं डेवलप की गई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिफरेंट डायनेस्टीज़ के द्वारा, डिफरेंट किंग्स के द्वारा। ठीक है, बट गुप्ता के टाइम पे यानी गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे यहाँ पे कहीं ना कहीं जो आयरन पिलर बनाया गया वो ये शो करता है कि कितना ज़्यादा साइंटिफिक प्रिंसिपल को यानी कौन कौन साइंटिफिक प्रिंसिपल को यहाँ पे यूज़ करके उन्होंने इस पिलर को फॉर्म किया होगा। बिकॉज जिस तरीके से पिलर बनाया गया इतने टाइम पहले, यानी करीबन हम बोल सकते हैं 1500 ईयर्स को पहले ये पिलर्स को बनाया गया था, और इस पिलर को जिस तरीके से बनाया गया कि आज भी इसमें कोई भी मतलब रस्ट नहीं लगा है, कोई जंक नहीं लगा है, कोई ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है उसका, ये शो करता है कितना ज़्यादा स्किलफुल वहाँ पे उस टाइम पे लोग होंगे, जो साइंटिफिक नॉलेज उन्हें होगी कि किस तरीके से हमें अलॉयज को बेसिकली मिक्स करना है, किस डिफरेंट अलॉयज को मिक्स करके कौन सा चीज़ें बनेगा और किस तरीके से वो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करेंगी, तो वो स्किल्स कहीं ना कहीं उस टाइम पे लोगों के पास थे, दैट्स वाई वो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है बिल्ड कर पाए। तो वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एंशियंट इंडिया में जो मेटलर्जिस्ट थी मेड मेजर कंट्रीब्यूशन टू द मेटलर्जिकल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड में जो मेटलर्जिकल हिस्ट्री है उसको कंट्रीब्यूट करने में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया है हमारे एंशियंट इंडिया मेटलर्जिस्ट ने। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन हैव शोन दैट द हरप्पन्स वर मास्टर द क्राफ्टमैन, यानी जितने भी हमें आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस मिले हैं वो यही दर्शाते हैं कि अगर हम हरप्पन्स की बात करें तो वो मास्टर्स थे क्राफ्टमैन के ऊपर, एंड हैड अ नॉलेज ऑफ कॉपर मेटलर्जी, यानी उन्हें उस टाइम पे कॉपर सेटेड जो मेटलर्जी थी किस तरह से कॉपर और उसको मिक्स करके क्या क्या अलॉय बनाना है, ये इस तरह की नॉलेज जो हरप्पन्स के पास थी। दे इवन मैन्युफैक्चर्ड ब्रॉन्ज बाय मिक्सिंग द कॉपर इन द टीन, ठीक है, यानी हरप्पन्स के टाइम पे यानी हरप्पन्स जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट था उसमें ही वो सिटी थी, उस टाइम पे लोगों को इतना नॉलेज था कि किस तरह से हमें कॉपर को यूज़ करना है और कॉपर को बेसिकली टिन के साथ मिक्स करके किस तरीके से ब्रॉन्ज को बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है, उसकी नॉलेज उनके पास थी। ठीक है, वाइल द हरप्पन्स बिलोंग टू द ब्रॉन्ज एज, जबकि वो कौन से ब्रॉन्ज एज से बिलोंग करते थे, देयर सक्सेसर्स बिलोंग टू द आयरन एज, उनके सक्सेसर जो थे आने वाले टाइम पे वो आयरन एज से बिलोंग करते थे, उस टाइम पे आयरन का कहीं ना कहीं जो है
आयरन किस तरह से निकालना जाना है, किस तरह से आप उसको ओर से निकालोगे, किस तरह से एक्सट्रैक्ट करोगे, वो कहीं ना कहीं लोगों को उसके बाद पता चल गया था. एंड इंडिया प्रोड्यूस्ड हाईली एडवांस्ड टाइप्स ऑफ आयरन, फॉस्ट आयरन, राउट आयरन और कास्ट आयरन. इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो आयरन्स थे वो कहीं ना कहीं प्रोड्यूस करने लग गया था उस टाइम पर इंडिया. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा एग्जांपल हमें देखने को मिलता है गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे आयरन पिलर का. ये जो आयरन पिलर है वो आपको मैरोली में, जो कि दिल्ली में है, वहाँ पे देखने को मिलेगा, और जो कि एक रिमार्केबल एग्जांपल है ऑफ द स्किल ऑफ इंडियन क्राफ्ट पर्सन, यानी जो हमारे यहाँ पे हैं, जो हमारे भारतीय क्राफ्ट पर्सन थे, उनकी जो स्किल है कहीं ना कहीं इससे दर्शाती है कि कितना बेहतरीन उन्होंने इस चीज़ को बनाया है. अगर हम बात करें आयरन पिलर की, तो ये आयरन का बना हुआ है, 7.2 मीटर हाइट का है ये, वेट करीबन इसका 3 टन्स का है, और लगभग 1500 ईयर्स आपको पहले इसको बनाया गया है. वी नो द डेट, हमें डेट पता है, बिकॉज देर इज़ इंस्क्रिप्शन ऑन द पिलर मेंशनिंग अ रूलर नेम चंद्रा. ठीक है, क्यों? बिकॉज डेट का अंदाज़ा हम इससे पता चलता है, बिकॉज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक नाम है चंद्रा नाम का, यानी एक रूलर का नेम जो है चंद्रा, ये चीज़ मेंशन की गई है उस पिलर के इंस्क्रिप्शन में, यानी उस पिलर में जो इंस्क्रिप्शन लिखी गई है उसमें कहीं ना कहीं एक वर्ड है चंद्रा, उसका मेंशन किया गया है. तो अगर हम चंद्रा नाम से अगर डिकोड करने की कोशिश करें, तो जब हम गुप्ता डायनेस्टी के रूप में जाते हैं तो वहाँ पर हमें दो तरह के चंद्रगुप्ता बेसिकली किंग देखने को मिलते हैं. पहला चंद्रगुप्ता वन, ठीक है, जो कि समुद्रगुप्ता के कह सकते हैं फादर थे, एंड दूसरा चंद्रगुप्ता टू, जो कि आपके समुद्रगुप्ता के बेटे थे. तो यानी ये दो चंद्रगुप्ता है, इस दो नाम से कहीं ना कहीं हम ट्रेस कर सकते हैं कि इन दोनों में से कोई ना कोई हो सकता है जिसने बनाया होगा. अब हिस्टोरियंस यहाँ पे हम कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं कि कौन सा यहाँ पे चंद्र, क्योंकि सिर्फ चंद्रा वर्ड लिखा हुआ है, इससे ये समझ में नहीं आ रहा, ये क्लैरिटी नहीं है कि एक्चुअली में बनाए किसने हुआ एग्जैक्टली, ये चंद्रगुप्ता वन ने बनाए हैं या फिर चंद्रगुप्ता टू ने बनाए, तो इसकी क्लैरिटी नहीं है. बट इतना पता चल गया कि चंद्रगुप्त डायनेस्टी के टाइम पे ये चीज़ बनी होगी. ठीक है, देन यहाँ पे बताया जाता है, व्हाट इज अमेजिंग इज द फैक्ट दैट द पिलर हैज नॉट रस्टेड थ्रू द सेंचुरीज, मतलब इतनी सेंचुरी, मतलब 1500 साल बीत चुके हैं और अभी तक इस पिलर में कोई भी रस्टिंग, कोई भी मतलब कह सकते हैं जंक नहीं लगा हुआ है, जो कि यही शो करता है कि किस तरह का स्किलफुल जो है उस समय के क्राफ्ट पर्सन थे, जिन्हें नॉलेज थी किस तरीके से क्या क्या मटेरियल को यूज़ करके हमें इसको बना सकते हैं, सो दैट ओवर द पीरियड ऑफ ओवर द सेंचुरीज तक भी ये सर्वाइव कर सके, जंक इसमें ना लगे. ठीक है, तो वो नॉलेज उस समय के क्राफ्ट पर्सन को हुई होगी. ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये आयरन पिलर है. बिल्डिंग इन ब्रिक एंड स्टोन, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ और है जो यहाँ पर मैंशन नहीं की गई है, मैं आपको बता देती हूँ. सबसे पहली चीज़ जब आप इस आयरन पिलर को देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो उनका बेस है काफ़ी ज़्यादा वाइड है, और जैसे जैसे आप ऊपर होते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पतला होता हुआ चले जाएगा. ठीक है, यानी बेस को एकदम से वाइड बनाना और धीरे धीरे से उसका जो पॉस्चर है ऊपर की तरफ जब ये जा रहा है, तो वैसे वैसे उसके जो कह सकते हैं कि विड्थ है उसकी कम होती हुई चली जा रही है, तो ये शो करता है कि उनके पास इस तरह से साइंस प्रिंसिपल रहे होंगे, साइंटिफिक प्रिंसिपल उनकी नॉलेज होंगी, किस तरह से हमें इस तरह से पिलर को डिज़ाइन करना है ताकि एक लंबे समय तक ये जो स्ट्रक्चर है वो सर्वाइव कर सके, साथ साथ बैलेंस वे में खड़ा भी रह सके. ठीक है, और मेन चीज़ यहाँ पे ये देखने को मिलेगी, अगर हम थोड़ा सा इसमें अपना नॉलेज लगाएं, जानने की कोशिश करें कि जो पिलर है आपको मिला है दिल्ली में, ठीक है, बट उस समय की अगर हम बात करें, आयरन जो अवेलेबल था वो आपको करीबन बेसिकली जो आपका बिहार वाला एरिया हो गया या फिर झारखंड वाला एरिया, वहीं पे आयरन के ओर्स वगैरह मिलते थे. तो सोचो, आप सोच सकते हो कि इस पर्टिकुलर एरिया में से लेकर आपको ट्रांसफ़र करना है दिल्ली तक. ठीक है, इस तरह से मतलब इतने बड़े बड़े जो बिग बिग बोल्डर्स हैं, ये जो आयरन के बड़े बड़े पिलर्स हैं, उसको किस तरह से ट्रांसफ़र करना है इस पर्टिकुलर मतलब स्टेट से लेके आपको दिल्ली तक लेके आना, उसकी नॉलेज कहीं ना कहीं उस समय के लोगों के पास होगी, जो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कितना ज़्यादा स्किलफुल वो थे. ठीक है, कि कैसे उनको पिलर को बनाना है, किस बेसिकली साइंटिफिक प्रिंसिपल को यूज़ करना है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है बिना कि उस समय इस तरह से जो हम कह सकते हैं बड़ी बड़ी जो मशीन्स होती हैं जो कैरी करती हैं आयरन के जो भी पिलर्स होते हैं, आप आज के टाइम पर आपको देखने को मिलेगा कितनी बड़ी बड़ी मशीन्स आ गए जो इसी एक जगह से दूसरी जगह सामान को कैरी करने में मदद करती हैं, बट उस टाइम पर इस तरह का कोई मशीन का बात हम मतलब मशीन वगैरह थी या नहीं थी उसका नॉलेज अभी नहीं है, बट ये अगेन शो करता कि कुछ तो चीज़ होगी, कुछ तो उन्हें नॉलेज होगा जिसके थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह उस चीज़ को कैरी करके लेके जाते थे. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है बिल्डिंग इन ब्रिक्स एंड स्टोन की, यानी जो बिल्डिंग्स थी वो कुछ आपको ब्रिक्स की दिखने को मिलेगी, कुछ स्टोन की. द स्किल्स ऑफ क्रावर क्राफ्ट पर्सन आर ऑल्सो अपेरेंट इन द बिल्डिंग दैट वॉज सर्वाइव्ड सच एज स्तूपा. सर स्तूपा उनमें से एक बिल्डिंग है जिसकी हम बात कर रहे हैं. तो जो वर्ड स्तूपा, इसका मतलब होता है माउंट
वेल देर आर सेवरल काइंड ऑफ स्तूपास मिलेंगे आपको आसपास, जो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिला, कुछ राउंड है, कुछ टॉल है, कुछ बिग है, कुछ स्मॉल है, एंड दीज हैव सर्टेन कॉमन फीचर्स. ठीक है, भले ही इनका साइज़ अलग अलग हो, कुछ बड़ा है, छोटा है, कुछ टॉल है, कुछ गोल आकार का है, बट इनके फीचर्स कहीं ना कहीं आपको सेम दिखेंगे. ठीक है, जनरली देर इज़ अ स्मॉल बॉक्स के अंदर जो है प्लेस किया जाता था एट द सेंटर ऑफ द हार्ट ऑफ द स्तूपा के अंदर. दिस में कंटेन बॉडीली रिमेन्स सच एज टीथ, बोन और एशेज ऑफ दी बुद्धा और हिज फॉलोअर्स और थिंग्स दे हैव यूज एज वेल एज प्रीशियस स्टोन एंड द कॉइन्स. ठीक है, तो नॉर्मली अगर हम देखा जाए तो माना जाता था कि जो बुद्धा थे, जब जिंदा थे बुद्धा, तो उस टाइम पे जो भी उनके डिसाइपल्स थे, जो उनको फॉलो किया करते थे, कहीं ना कहीं उनको वो जानते थे कि कभी ना कभी, मतलब जब बुद्धा नहीं रहेंगे या फिर जब उनका लास्ट फेज ऑफ लाइफ होगा, तो उस टाइम पे हम कैसे उनकी पूजा करें, कैसे उनको, मतलब उनकी जो टीचिंग्स है या फिर कैसे जनता तक वो चीज़ें पहुँचेंगी. तो सिंपली उनके जो डिसाइपल्स थे एक बार बुद्धा के पास बैठे कि भाई आप बताइए कि आपके जाने के बाद हम किस तरीके से आपको पूजें, किस तरह से आपकी जो है बेसिकली आराधना करें, है ना. तो उस टाइम पे बुद्धा ने कहा था कि आप सिंपली करना, एक छोटा सा बॉक्स लेना, उसमें जो भी उनकी जो भी चीज़ें होंगी जो उनकी बॉडी से रिलेटेड है, चाहे वो उनके दांत है, बोन्स है, एशेज हो गया, फिर जो भी चीज़ वो बुद्धा पहनते थे, चाहे वो क्लोथ हो गया या फिर उनके फॉलोअर्स जो पहनते थे, उनको कहीं ना कहीं आप उस बॉक्स के अंदर रखिए. ठीक है, और उसको एक जगह पर प्लेस कर दीजिए. फिर उस बॉक्स को क्या करना है, सिंपली आपको एक मिट्टी के अंदर उसको दबा देना है, एंड उसके आसपास आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से आपको एक सेमी सर्कुलर टाइप का माउंट टाइप का बन जाएगा. एंड नॉर्मली क्या आपको देखने को मिलेगा, देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे किस तरीके से जो बड़े बड़े स्तूपास बनने शुरू हो जाएंगे. और यहाँ पे सिंपली माना जाता है कि बुद्धा ने कहा था कि अगर आप इसके आसपास चक्कर लगाते हो, पर उसकी बेसिकली परिक्रमा करते हो, तो भी कहीं ना कहीं आप उस फॉर्म में भी आप इसको कर सकते हो, परिक्रमा करके आप उनकी जो है पूजा कर सकते हो जिस तरह से आप करना चाहते हो. तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई थी कि जिस बॉक्स नोन एज अ रिलिक कास्केट, ये जो बॉक्स की हम बात कर रहे हैं वो क्या है, रिलिक कास्केट है, जो कि कवर्ड होगा विद अर्थ, मतलब अर्थ मतलब मिट्टी से उसको कवर कर दिया जाएगा. लेटर अ लेयर ऑफ मड ब्रिक और अ बेक्ड ब्रिक और एडिड ऑन द टॉप. और लेटर ऑन जब देखेंगे, जैसे जैसे मतलब बाकी डायनेस्टीज आती गई, तो उन्होंने कुछ ना कुछ एडिशन वहाँ पे शुरू करने लग गया. कि पहले तो उन्होंने सिंपल यह किया था, बॉक्स में चीज़ों को डाल के मिट्टी के अंदर वहाँ पे मतलब गाड़ दिया था. पर बाद में बाकी लोगों ने क्या किया, उसके ऊपर कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर बनने लग गए थे. कुछ ने मड ब्रिक से उसको कवर कर दिया, किसी ने जो बेक ब्रिक होती हैं, जो भट्टी से निकली हुई जो पत्थर ब्रिक्स होती हैं, उनको उसके ऊपर रख के एक तरह का डोम लाइक स्ट्रक्चर जो है फॉर्म कर दिया. अब जब इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया, तो कहीं ना कहीं बहुत ईजी हो जाएगा ना उसको रिकॉग्नाइज कर पाना कि हाँ, ये डोम लाइक स्ट्रक्चर है, इट मीन्स ये स्तूपा है बुद्धा जी का. ठीक है, तो इस तरह से कर दिया. एंड सम टाइम कवर्ड विद अ कार्व्ड स्टोन स्लैब, या फिर कभी आपको देखने को मिलेगा जो स्टोन के स्लैब्स होते हैं उसको उन्होंने उसको कवर कर दिया. तो सिंपली वहाँ पे हम क्या डिनोट कर रहे हैं कि वो बुद्धा का स्तूपा है बेसिकली. ठीक है, ऑफन अ पाथ नोन एज अ प्रदक्षिणा पथ वॉज लेड अराउंड द स्तूपा. अब जब वो स्तूपा बन चुका है, तो आपको देखने को मिलेगा लोग उसके पास क्या करते थे, परिक्रमा करते थे. तो जो प्रदक्षिणा पथ है, उस पथ में, मतलब उस रास्ते में जो परिक्रमा करते हुए जाते थे. एंड दिस वॉज सराउंडिंग विद रेलिंग लगी होती थी. एंट्रेंस ऑन टू द पाथ वॉज थ्रू द गेटवेज. और एंट्रेंस में आपको देखने को मिलेगा बड़े बड़े गेटवेज थे. एंड डिवोटीज वॉकड अराउंड द स्तूपास इन अ क्लॉक वाइज डायरेक्शन. ठीक है, जो भी स्तूपा है उसकी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, मतलब इस तरह से जो है उसके आसपास रिवॉल्व किया करते थे. एज मार्क एज अ डिवोशन, मतलब अपना डिवोशन दिखाने के लिए. जैसे आज के टाइम पे भी हम क्या करते हैं, जब किसी भी चीज़ की परिक्रमा करनी होती है, तो उसके आसपास हम चक्कर लगाते हैं आज के, और जो भी पूजा फिर जो भी मंत्र वगैरह है, आप उसको चैंटिंग करते हुए बोलते हुए चलते हो. ठीक है, तो उस तरह से उन्होंने कहा था कि इस तरीके से आप स्तूपा के आसपास, प्रदक्षिणा पथ के आसपास जो है, आप यहाँ पे क्लॉक वाइज डायरेक्शन में आप यहाँ पे मूव करोगे. बहुत रेलिंग एंड गेटवेज और ऑफन डेकोरेटेड विद स्कल्पचर. और जो भी आप देखोगे कि जो भी रेलिंग है या फिर गेटवेज है, उनको जो है नॉर्मली क्या बोलते हैं, स्कल्पचर किया गया था, डेकोरेट किया गया था. ठीक है, यानी कुछ कुछ आपको डेकोरेशन के लिए आप देख सकते हो कि जो जातक स्टोरीज हैं बुद्धा के, यानी बुद्धा के जीवन से जो जातक स्टोरीज हैं, उनको कहीं ना कहीं स्कल्पचर्स के थ्रू यहाँ पे डेकोरेट किया गया था गेटवेज में. नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया कि फाइंड अमरावती. अमरावती दिस वॉज अ प्लेस वेयर मैग्निफिकेंट स्तूपा वॉज वंस एग्जीबिटेड. ठीक है, तो यहाँ पे अमरावती में आपको देखने को मिलेगा एक फेमस है फॉर स्तूपा के लिए. मैनी ऑफ द स्टोन कार्विंग फॉर डेकोरेटिंग द स्तूपा वर मेड अराउंड 2000 ईयर्स अगो. तो यहाँ पे 2000 साल पहले की बात है
कि यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे स्तूपास मिले हैं और उनको यहाँ पे सबसे खास बात यह है कि वहाँ पे स्टोन कार्विंग की है, मतलब स्टोन कार्विंग के थ्रू उन स्तूपास को डेकोरेट किया गया है। कहाँ पे? अमरावती में। यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप में बताया गया है द ग्रेट स्तूपा एट सांची। ये सांची का स्तूपा है जो कि कहाँ पे मिलेगा आपको? मध्य प्रदेश में। लाइक दिस वन वर बिल्ट ओवर सेवरल सेंचुरीज वेयर द ब्रिक एंड द माउंटेड प्रोबेबली डेट्स टू द टाइम ऑफ द अशोका। ठीक है, अशोका के टाइम की बात की जा रही है। द रैलिंग्स एंड द गेटवे वर एडेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेटर रूलर्स। यानी जो बेसिकली जो स्तूपा बनाया गया था वो आपको देखने को मिलेगा अशोका के टाइम पे बनाया गया था। एंड लेटर और जैसे जैसे बाकी डायनेस्टीज आती गई कहीं ना कहीं उन्होंने फिर फर्दर उसमें डेवलपमेंट कर दी, किसी ने रेलिंग्स और गेटवेज वगैरह बना दी जो लेटर रूलर्स थे। उसके बाद हमें देखने को मिलेगा लेफ्ट में आपको एक स्कल्पचर है जो कि अमरावती का है। एंड ये कहीं ना कहीं देखो शो करेगा किस तरीके से इस पिक्चर के अंदर आपको कितनी सारी चीज़ें पता चल रही हैं। यहाँ पे एनिमल्स हैं, यहाँ पे आपके लोग हैं, किस तरीके से वो ऊपर से देख रहे हैं। तो एक तरह से जो लोगों की लाइफ है कहीं ना कहीं ये स्तूपा के थ्रू जो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि अदर बिल्डिंग्स फॉर हॉलोड आउट ऑफ रॉक टू मेक आर्टिफिशियल लेक से क्या। बाकी इसके अलावा स्तूपास तो एक बिल्डिंग हो गई, उसके अलावा बाकी जो बिल्डिंग्स यानी जो केव्स वगैरह आर्टिफिशियल केव्स बनाए जाते थे तो नॉर्मली जो रॉक होता था उनको हॉलो करके बीच में से देन उसका आर्टिफिशियल केव बनाया जाता था। और नेमली मेनली जो केव का यूज़ था वही रेस्टिंग प्लेस के लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है, सम ऑफ दीज वर वेरी एलेबोरेटेड डेकोरेटेड विद स्कल्पचर एंड द पेंटेड वॉल। यानी कुछ केव्स आपको ऐसे दिखेंगी जो अंदर से काफ़ी ज़्यादा जो डेकोरेटेड थी विद द स्कल्पचर से या फिर पेंटेड वॉल्स, यानी पेंट किया हुआ था, कुछ पेंटिंग की गई हुई थी वॉल्स में। सम ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स वर ऑल्सो बिल्ट एट दिस टाइम, बनाए गए थे। डाइटीज सच एज विष्णु शिवा दुर्गा वर वर्शिप्ड इन दिस श्राइन। यहाँ पे आप ये चीज़ थोड़ी रिलेट कर पा रहे होंगे कि जब हमने बताया था गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे किस तरह से जो भक्ति मूवमेंट है वो स्टार्ट हो गया था। और जब भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तो कहीं ना कहीं लोगों के पास अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वो किसी भी भगवान की जो है पूजा कर सकते थे। तो उस टाइम पर हमने देखने को मिलेगा कि जब वो पूजा कर रहे थे इस तरह से गॉड्स की तो उस टाइम पर बहुत सारी इमेजेस जो है डिफरेंट डिफरेंट गॉड की बनना शुरू हो गए, चाहे वो विष्णु हो, चाहे वो आपके शिव जी हो या दुर्गा हो। तो जब इन गॉड्स की जब मूर्ति बनाई जा रही है तो उनको मूर्ति को बनाने के लिए मतलब बनाने के बाद आप इन्हें कहीं ना कहीं स्थापित करोगे तो उसके लिए जो है बहुत सारे फिर टेम्पल्स बनना शुरू हुए थे। एंड इन टेम्पल्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा जो गर्भगृह होता है वहाँ पे जो है कहीं ना कहीं जो स्टैचूज थी गॉड्स के वहाँ पे उन्हें रखा जाता था। तो सिंपली अगर हम बात करें कि टेम्पल का तो इस तरह से जो है टेम्पल होता है जहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि ये वाला पार्ट जो होता है आपका यहाँ पे गॉड को रखा जाता है, गर्भगृह होता है, ये शिखर होता है। ठीक है, और इसके आगे जो होता है मंडपम होता है जहाँ पे नॉर्मली एक तरह से असेंबली होती है जो भी आपके जो पूजा करने वाले या फिर जो बाकी जो लोग हैं वो यहाँ पे बैठा करते हैं। और इस तरह से जो यहाँ पे सीढ़ियाँ वगैरह होती हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो टेंपल स्टाइल है आर्किटेक्चर ये हमें नगरा फॉर्म जो नगरा टेंपल स्टाइल है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर गर्भगृह हो गया, ये शिखर हो गया और ये आपका मंडप हो गया। ठीक है, देन यहाँ पे देखने को मिलेगा टॉप में एन अर्ली टेम्पल एट जो सबसे पहला टेम्पल जो था हमें देखने को मिलता है वो हमें उत्तर प्रदेश देखने को मिलता है। कहाँ पे? भीतर गांव में। दिस वाज बिल्ट अबाउट 1500 ईयर्स को बनाया गया था एंड इट वाज मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक। सबसे खास बात यह है कि इसे बेक्ड ब्रिक एंड स्टोन से बनाया गया था। वहीं हम राइट में देखें तो मोनोलिथिक टेम्पल है, कहाँ पे बनाया गया इसको? महाबलीपुरम में। ठीक है, ईच ऑफ दिस वॉज कार्व्ड आउट ऑफ ह्यूज सिंगल पीस ऑफ स्टोन। ठीक है, तो जो महाबलीपुरम में जो बेसिकली आपको देखने को मिलेगा जो टेम्पल है उसकी खास बात यह है कि वो सिंगल स्टोन से बनाया गया है। अब स्टोन से ही क्यों बनाया गया? बिकॉज माना जाता है कि लोकली यानी वहाँ पे जो जहाँ पे ये बना हुआ है महाबलीपुरम वो बेसिकली पल्लवा डायनेस्टी ने बनाया है और उस समय लोकली जो है स्टोन काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल थे, दैट्स वाई स्टोन का यूज़ करके यहाँ पे टेम्पल को बनाया गया है। और क्योंकि ये मोनोलिथिक है मतलब एक ही पत्थर को काट के उन्होंने इस पूरे से पूरे पूरे टेम्पल को बनाया है, सो एक ही पत्थर को यूज़ करके पूरा का पूरा ये टेम्पल जो है आपका महाबलीपुरम वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको यही चीज़ समझाई जा रही है यहाँ पे कि ईच ऑफ दिस वॉज कार्व्ड आउट ऑफ ह्यूज सिंगल पीस ऑफ अ स्टोन, दैट इज़ वाई दे नोन एज अ मोनोलिथिक। मोनोलिथिक का मतलब होता है मोनो मतलब सिंगल, लिथिक मतलब स्टोन। ठीक है, वाइल ब्रिक स्ट्रक्चर्स आर बिल्ट अप बाई एडिंग लेयर। ठीक है, जो ब्रिक स्ट्रक्चर्स थे उसको बनाया जाता है बाई एडिंग लेयर ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द बॉटम अपवर्ड्स। इन दिस केस द स्टोन कटर्स हैड टू वर्क फ्रॉम टॉप डाउनवर्ड्स। ठीक है, देन आपको यहाँ पे राइट में देखने को मिलेगा दुर्गा का टेम्पल एट एहोल बिल्ट अबाउट 1400 ईयर्स अगो। यानी कि जो एहोल का जो टेम्पल है जो कि दुर्गा का टेम्पल है वो आपको देखने को मिलेगा अगेन स्टोन का टेम्पल है
जो सबसे बड़ी खास बात यह है कि ऐहोल में, ऐहोल से आपको कहीं ना कहीं आपको याद आ जाएगा कि चालुक्य डायनेस्टी थी वो यहाँ पे रूल किया करती थी, और चालुक्य के अंदर जो आपके फेमस किंग थे पुलकेशिन टू, उनके टाइम पे बेसिकली ये बनाया गया है टेम्पल। और ये जो टेम्पल है थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये सारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का ही पार्ट है आपको, ठीक है, देखने को मिलेगा। वेसारा स्टाइल में बेसिकली क्या होता है, जो आपका नॉर्थ में जो आपका नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है और साउथ में जो द्रविड़ी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, इन दोनों का मिक्स कहीं ना कहीं देखने को मिलता है वेसारा स्टाइल में, ठीक है। देन यहाँ पे बताया गया कि फाइंड महाबलीपुरम एंड ऐहोल ऑन द मैप, सम ऑफ द फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल्स वर बिल्ड इन दिस टाउन पर बनाए गए थे, जिसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिला महाबलीपुरम और ऐहोल में स्टोन के टेम्पल्स हैं बेसिकली। हाउ दीज स्तूपास एंड टेम्पल्स बिल्ड, किस तरह से बिल्ड किए जा रहे थे, तो बताया गया है कि देवर सेवरल स्टेजेस इन बिल्डिंग अ स्तूपा और अ टेम्पल देखने को मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम पे आपको एक ही पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपको देखने को मिलेगा इतना बड़ा टेम्पल बन के, नहीं, स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा कि मॉडर्न, जैसे हम स्तूपा की बात कर लेते हैं तो स्तूपा की जो शुरुआत थी आपको देखने को मिलेगा मॉडर्न डायनेस्टी के टाइम पे हो गई थी, तो उस समय के जो स्तूपा थे बहुत ज़्यादा छोटे थे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हम गुप्ता डायनेस्टी तक आते हैं तो हमें देखने को मिलेगा जो स्तूपा का साइज है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा था, किस तरीके से उन्होंने डेकोरेशन स्टार्ट कर दी थी। गेटवेज में आपको आपको डिफरेंट डिफरेंट स्कल्पचर्स देखने को मिल जाएंगे, आपको बड़े बड़े मतलब यहाँ पे जो ब्रिक्स के थ्रू उन्होंने जो पूरा का पूरा आपको कवर कर दिया था उन्होंने बेसिकली स्तूपास को। तो इस तरह से जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम, चाहे हम स्तूपास की बात करें टेंपल्स की बात करें, इनमें कुछ ना कुछ जो भी किंग्स और क्वींस आते गए हैं डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज, उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उसको और ज़्यादा इन्हांस करने की कोशिश करी और ज़्यादा डेकोरेट करने की कोशिश की है, ताकि क्योंकि जब भी आप देखते हो कि कोई भी राजा अगर मान लो कोई भी टेंपल बनाता है इस तरह का स्तूपा बनाता है, वो ये शो करने की कोशिश करता है कितना ज़्यादा पावरफुल है, यानी जो बड़े बड़े टेंपल्स होते हैं बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं राजा की पावर को शो करते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे जो भी किंग और क्वीन होंगे उनके पास जितना पैसा होगा कहीं ना कहीं वो लगाएंगे इस पर्टिकुलर जो है इन पर्टिकुलर बिल्डिंग्स में, ताकि ये शो करें आने आने जाने वाले हर एक पर्सन को, मतलब याद रहे कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर राजा ने ये बिल्डिंग बनाई थी, दैट्स वाई हम कह सकते हैं, ठीक है। तो वहीं आपको बताया गया कि देर वर सेवरल स्टेजेस इन बिल्डिंग और स्तूपा या टेम्पल में देखने को मिलेंगी। यूजुअली किंग और क्वीन जो थे डिसाइड करते थे टू बिल्ड दीज एज इट वॉज एक्सपेंसिव अफेयर, बिकॉज ये जो बनाना में जो बात की जा रही है कि आप स्तूपा बनाना चाह रहे हो या फिर बड़े बड़े टेम्पल्स बनाना चाह रहे हो, तो इसको बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा यू नो कह सकते हैं एक्सपेंसिव खर्चा था। आप नॉर्मली आप ऐसे क्राफ्ट पर्सन को ढूंढोगे जो काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल हो, ठीक है, और ऐसे स्किलफुल क्राफ्ट पर्सन आपको लोकली बहुत कम अवेलेबल होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आपको कहीं और पे अवेलेबल होंगे, तो बहुत कम ही ऐसे पर्सन होंगे जो इतना स्किलफुल उनके पास कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी मतलब स्किल होगी इस सब को बनाने के लिए। तो दैट्स वाई उन पर्सन्स को पे करने के लिए आपके पास अच्छे कॉइन्स होने चाहिए, अच्छी मात्रा में, मतलब कह सकते हैं आपके पास रेवेन्यू होना चाहिए, दैट्स वाई किंग और क्वीन ही बेसिकली इन सब चीज़ों को बना पाते थे, ठीक है। देन यहाँ पे बोला गया है कि फर्स्टली द गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन, ठीक है, एक्सपेंसिव इसलिए भी है बिकॉज पहला रीज़न ये है कि आपको गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन चाहिए जो काफ़ी टाइम तक मतलब सर्वाइव भी कर पाए और अच्छी क्वालिटी के भी वो जो भी स्ट्रक्चर है बनाना चाहते हैं उसे क्वालिटी अच्छे से निकल के आए। दे हैव टू फाउंड क्वेरीड एंड ट्रांसफोर टू द प्लेस दैट वॉज ऑफन केयरफुली, और मेन चीज़ है कि जहाँ पे सबसे पहले तो गुड क्वालिटी के स्टोन को ढूंढना अपनी बात अपनी सबसे बड़ी बात है, फिर अगर मान लो जो जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे वो लोकली अवेलेबल नहीं है, कहीं और किसी और प्लेस में अवेलेबल है, जहाँ पे हमें देखने को मिला था कि आयरन पिलर बेसिकली दिल्ली में बनाया गया है, बट देखा जाए तो वो बिहार और झारखंड से वहाँ से वो आयरन पे किस तरह से ट्रांसपोर्ट किया जाता होगा, ठीक है, तो उसको केयरफुली ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी आपके पास स्किल होनी चाहिए, ठीक है। देन की क्या चीज़ बनानी है, फिर अगेन वो चीज़ चूज़ करना है आपको। हेयर दीज रफ ब्लॉक्स ऑफ स्टोन हैड टू बी शेप्ड, फिर अभी जो रफ ब्लॉक्स है स्टोन के, अब उसको प्रॉपर शेपिंग करनी है, कार्विंग करनी है उसके अंदर, उसको पिलर्स बनाने हैं, आपको वॉल्स बनानी है, फ्लोर्स बनाने हैं, सीलिंग्स बनानी है, तो ये सब चीज़ें अगेन बहुत एक्सपेंसिव अफेयर रहता था, ठीक है। एंड दीज हैड टू बी प्लेस्ड इन प्रिसाइसली द राइट पोजिशन, अब मेन चीज़ क्या, ये सब चीज़ें आपने कार्विंग कर ली, मान लो जब आपने महाबलीपुरम टेम्पल बना होगा तो क्योंकि वो एक मोनोलिथिक स्टोन से बना हुआ है, एक ही स्टोन को यूज करके बना हुआ है, तो किस तरीके से उसको उन्होंने कार्विंग करके फिर उसको प्लेस किया होगा वहाँ पे, तो वो भी प्रिसाइसली आपको राइट पोजिशन पे प्लेस करना है, तो अगेन उसके लिए स्किल चाहिए। देन यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्ट्रक्चर है लेफ्ट में जय मोनास्ट्री का, फ्रॉम ओडिशा से है। दिस टू स्टोरी बिल्डिंग वॉज कार्व्ड आउट ऑफ अ रॉक सर्फेस से कार्व की गई है।
नोटिस द एंट्रेंस ऑफ द रूम जैन मॉन्क्स लिव्ड करते थे यहाँ पे मेडिटेट करते थे इन दिस रूम में एंड वट वेज इन द इज द कार्व शोन हैव डिफरेंट फ्रॉम द इलस्ट्रेशन ठीक कह रहे हैं जो कार्विंग यहाँ पे कही है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंट है तो आप सोच सकते हो एक ही रॉक सर्फस को इस तरह से काट के कितना बेहतरीन स्ट्रक्चर यहाँ पे जो है कार्विंग के थ्रू यहाँ पे बनाया गया है और यहाँ पे आपको टू स्टोरी में ये बिल्डिंग आपको देखने को मिलेगी ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया कि किंग एंड क्वीन प्रोबेबली स्पेंट मनी फ्रॉम देयर ट्रेजरी यानी अपनी जो ट्रेजरी था जो खजाना था उनका वहाँ से वो मनी स्पेंड किया करते थे टू पे करने के लिए एक पर्सन को हु वर्क टू बिल्ड दीज स्प्लेंडेड स्ट्रक्चर्स को बनाने का काम करते थे। बिसाइड्स व्हेन डिवोटीज केम टू विजिट द टेंपल और द स्तूपा दे ऑफन ब्राउट गिफ्ट लाते थे विच वॉज यूज टू डेकोरेट द बिल्डिंग एंड बिल्डिंग को डेकोरेट करने के लिए उन गिफ्ट्स का यूज़ किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल एन एसोसिएशन ऑफ आइवरी वर्कर्स एक आइवरी वर्कर्स का एसोसिएशन है दे पेड वन ऑफ द ब्यूटीफुल गेटवेज एट सांची उन्होंने किस तरीके से वहाँ पे मतलब जो सांची में जो गेटवेज है उसको कहीं ना कहीं पे किया था ताकि वो बेसिकली वो गेटवे वहाँ पे बनाया जाओ कितना ब्यूटीफुली उसको बनाया गया वो आप देख ही सकते हो ठीक है। अमंग द अदर्स हु पेड फॉर डेकोरेशंस वर मतलब इसके अलावा मतलब यहाँ पे तो अभी बात की गई थी आइवरी वर्कर्स ही बट इसके अलावा मान लो बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जिनके पास कैपेबिलिटी है कि वो पे कर सकते हैं कि फर्दर डेकोरेशन के लिए जैसे मर्चेंट्स हो गए फार्मर्स है गार्लैंड मेकर्स है परफ्यूमर्स है स्मिथ है हंड्रेड ऑफ मैन एंड वुमेन्स हु आर नोन ओनली बाय देयर नेम्स विच आर इंस्क्राइब्ड ऑन द पिलर रेलिंग एंड द वॉल्स एंड जिन जिन पर्सन्स ने इस तरह से जो पे किया है फर्दर उस टेम्पल को डेकोरेट करने के लिए या फिर स्तूपा को डेकोरेट करने के लिए तो उनके नाम कहीं ना कहीं हमें जो है इंस्क्राइब दिखेंगे उन पिलर्स के अंदर कहीं के पिलर के अंदर उनका नाम लिख दिया गया है जिससे पता चलता है कि हाँ भाई इस इन पर्सन ने मान लो इस पिलर को बनाने के लिए थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन किया होगा। कुछ जो वॉल्स है रेलिंग्स है वहाँ पे हमें कुछ कुछ लोगों का नाम नज़र आ जाता है बिकॉज ये जो नाम है कहीं ना कहीं पता तो चलता है कि हाँ वो किंग की फैमिली से नहीं हो सकते बिकॉज वो ऑर्डिनरी नेम होते हैं तो यानी वो कहीं ना कहीं वो ऑर्डिनरी पीपल है जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया उसको बनाने में अदर देन किंग एंड क्वींस के अलावा किंग और क्वीन तो दे ही रहे हैं बट इनके अलावा कोई और पर्सन इनके पास क्षमता है डोनेट करने की वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल बात करते हैं अभी जो भी राम टेंपल बनाया गया है अयोध्या में तो आपको देखने को मिलेगा उसमें जो भी खर्चा आया उसको बनाने का वो एक डोनेशन से लाया गया है बहुत से लोगों ने डोनेशन दिया है उस डोनेशन को यूज़ करके वहाँ पे आपको टेंपल देखने को मिलेगा बिकॉज ये ऐसी चीज़ें होती हैं वहाँ पे आपको स्टेट के जो खर्चे होते हैं वहाँ से आप इसको कहीं ना कहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस लग जाता है तो इसलिए हमेशा उस टाइम पर भी डोनेशन ली जाती थी ये सब चीज़ों के लिए और इस टाइम पर भी आपको डोनेशन देखने को मिलेंगे ठीक है। तो यहाँ पर आप रिलेट कर सकते हो सब चीज़ों को। सो वेन यू गेट चांस टू विजिट एनी ऑफ दिस बिल्डिंग तो आप इन सब चीज़ों को देख सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा एक बहुत ब्यूटीफुल स्कल्पचर है ये है आपका पेंटिंग फ्रॉम अजंता डिस्क्राइब हाउ टू सीन अस मतलब आपको जब अजंता की पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेगी तो वहाँ पे आपको एक स्कल्पचर देखने को मिलेगा जो किसका है ठीक है। तो ये बेसिकली पद्मपाणि का है ठीक है। पद्मपाणि बेसिकली जो है डिसाइपल थी बुद्धा जी की तो उनकी पेंटिंग कहीं ना कहीं इन अजंता की जो केव्स है वहाँ पे की गई है ठीक है। तो देखने को ये मिलेगा कि जो इस तरह की जो केव्स होती हैं जो कि बहुत टाइम पहले बनाई गई हैं तो उसके बाद किस तरीके से उन केव्स के अंदर क्योंकि ऑलरेडी जो केव होती है उनके अंदर कुछ लाइट का सोर्स नहीं रहता तो किस तरीके से उस समय डार्क केव के अंदर लोग जाकर टॉर्च जला के वहाँ पे पेंटिंग किया करते थे और मेनली ये जो पेंटिंग होती थी आपको देखने को मिलेगा जो ऊपर की जो दीवार होती है जो रूफ्स होते हैं वॉल के वहाँ पे ये पेंटिंग जो है की गई है। और सबसे खास बात ये है कि पेंटिंग 1500 ईयर्स और वो पुरानी है और अभी तक सर्वाइव कर रही है जस्ट बिकॉज सोचने को अगर देखा जाए कि अभी तक ये पेंटिंग इतना सर्वाइव कर पाई जस्ट बिकॉज उसके जो कलर्स जो उसमें यूज हुए हैं किए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल कलर है क्योंकि आज के कलर आप देखोगे किस तरह से बहुत ही ज़्यादा आर्टिफिशियल कलर्स को यूज़ किया जाता है बट उस टाइम पे जो नेचुरली जो कलर्स अवेलेबल थे यानी प्लांट्स के थ्रू जो आपको मिल रहे हैं जो मिनरल्स के थ्रू जो कलर्स मिल रहे हैं उन कलर्स का यूज़ करके ये पेंटिंग की जाती थी तो इसलिए आपको देखने को मिलेगा कि अभी तक ये सर्वाइव कर पाई हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि अजंता दिस इज़ अ प्लेस वेयर सेवरल केव्स वर हॉलोड आउट ऑफ हिल्स फ्रॉम सेंचुरीज यानी काफ़ी ओवर द सेंचुरीज काफ़ी सारे हिल्स को जो है काट काट के ये केव्स बनाई गई हैं एंड मोस्ट ऑफ दीज वर मोनास्ट्रीज फ्रॉम बुद्धिस्ट मॉन्ग के लिए बनाई गई थी जहाँ पे उनको सिंपली रहने के लिए ठीक है चैत्यास हो गए जहाँ पे पूजा की जाती थी विहारास जहाँ पे वो रेस्टिंग के लिए रहती थी एंड सम ऑफ देम वर डेकोरेटेड विद अ पेंटिंग कुछ केव्स को डेकोरेट किया गया पेंटिंग से एंड दीज आर सम एग्जांपल एज द केव्स आर डार्क इनसाइड मोस्ट ऑफ दिस पेंटिंग वर डन इन द लाइट ऑफ टॉर्चेस द कलर विच वॉज विविड इवन आफ्टर 1500 ईयर्स वॉज मेड ऑफ प्लांट्स और मिनरल्स से बनाए जाते थे द आर्टिस्ट हु क्रिएटेड दिस स्प्लेंडेड वर्क ऑफ
आर्ट रिमेन अननोन, मतलब वो जो आर्टिस्ट है अभी तक उनके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया, बिकॉज यहाँ पे कुछ नाम नहीं लिखा हुआ आर्टिस्ट का जिसके थ्रू हम पता करने की कोशिश कर सके किसने बनाया है, बट उनका जो भी ये वर्क है वो कहीं ना कहीं आज तक सर्वाइव कर पाया है जिसके थ्रू हम ये सब चीज़ें समझ पा रहे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो किस तरह से जो केव की जो वॉल्स है उसमें इस तरह से पेंटिंग की गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। जो इतना डार्क में होने के बावजूद भी उन्होंने नेचुरल कलर्स को यूज़ करके किस तरीके से बारीकी से एक एक कलर को फिल किया गया है इन डिज़ाइंस के अंदर, जो इशू करता है कि उस समय ये क्राफ्ट पर्सन कितने ज़्यादा स्किलफुल थे इस पर्टिकुलर पेंटिंग के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है द वर्ल्ड ऑफ बुक्स, सम ऑफ द बेस्ट नोन एपिक्स वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी इस पीरियड में गुप्ता पीरियड यानी गुप्ता और पोस्ट गुप्ता का जो टाइम पीरियड है वहाँ पे बहुत सारी जो एपिक्स हैं जो कथाएँ हैं बेसिकली लिखी गई हैं, एंड दीज एपिक्स आर ग्रैंड है लॉन्ग कंपोजिशन है अबाउट हीरोइक मैन और वुमेन का यहाँ पे जिक्र किया गया, इंक्लूडिंग द स्टोरीज ऑफ अबाउट गॉड्स की स्टोरीज भी आपको देखने को मिलेगी। अ फेमस तमिल एपिक जो है बेसिकली आपको देखने को मिलेगी शिल्पादिकरम, वॉज कम्पोज बाई द पोइट नेम इलांगो, ठीक है, इन्होंने ये कंपोज किया अराउंड 1800 ईयर्स को पहले की ये स्टोरी है। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ मर्चेंट जिसका नाम है कोवलन, हु लिव्ड इन पुहार, पुहार आई थिंक आपको याद ही होगा, ये बेसिकली आपको तमिलनाडु के आसपास, अभी मैप इसमें अवेलेबल नहीं है इसके थ्रू मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हाँ तमिलनाडु के पास ये जो पोर्ट सिटी है पुहार, जहाँ पे हमें देखा था किस तरह से रोमन यहाँ पे आके ट्रेड किया करते थे, बेसिकली जो उनको जो मेन चीज़ चाहिए था वो ब्लैक पेपर था उनके लिए, वो ब्लैक गोल्ड के समान था, एंड उसके बदले में बाकी जो गोल्ड वगैरह चीज़ें जो है इंडिया को देते थे, और इंडिया के बदले में इनको ब्लैक पेपर जो है सेल करता था। तो वो इसी पुहार की यहाँ पे बात की जा रही है कि कोवलन जो है बेसिकली इस पुहार से बिलोंग करता था। तो मेन चीज़ क्या था, एक कोवलन ऑलरेडी मैरिड था बट फिर भी मैरिड मतलब शादी की मतलब शादी उसने कर रखी थी, फिर भी वो किसी के प्यार में पड़ जाता है, दे फेल इन लव विद अ कोटसन जिसका नाम होता है माधवी, एंड नेग्लेक्टिंग हिज वाइफ कनंगी, ठीक है, इनको नेग्लेक्ट कर देता है, लेटर ही एंड कनंगी लेफ्ट पुहार को छोड़ देते हैं एंड वेंट टू मदुराई। मदुराई कहाँ पे है तो वो आप देख सकते हो, यहाँ पे है मदुराई इस वाले पोर्शन में, यानी तमिलनाडु का जो साउथ है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मदुराई। तो यहाँ पे यानी पुहार से वो यहाँ पे मदुराई में जो है चले जाते हैं, तो यानी मेन जो आपका कोवलन है वो माधवी के साथ आपको देखने को मिलेगा मदुराई में चले जाता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपको बहुत बड़े यू नो जो राजमहल है वहाँ की, आप वहाँ की जो माधवी है वो एक पर्सन के साथ जो है बेसिकली मर्चेंट के साथ इस तरह से भाग गई, तो आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे किंगडम में उनकी जो है बातें फिर चलने लग जाएंगी। तो जहाँ वो जाती है वहाँ पे ऑलरेडी जो है पांडवा डायनेस्टी जो है वहाँ पे रूल कर रही होती है, तो वहाँ पे देखने को मिलेगा किस तरह से पांडवा किंग जो है उनको एक तरह से जो वो कोवलन होते हैं उनके पास उनको रॉन्गली एक्यूज्ड करते हैं कि भाई इसने जो है जो मतलब चोरी करी है, तो ये झूठा आरोप जो है बेसिकली पांड्या किंग के द्वारा लगाया जाता है किसके ऊपर, कोवलन के ऊपर, ही इज़ रॉन्गली अक्यूज ऑफ थेफ्ट बाय द कोर्ट ज्वेलर ऑफ द पांड्या किंग, के यहाँ मतलब उसने चोरी करी है। एंड मेन चीज़ यहाँ पे देखने को हमें ये मिलती है कि अब किंग के द्वारा जो है क्योंकि उसने झूठा आरोप तो लगाया साथ ही साथ जो है उसको सेंटेंस ऑफ डेथ दे दिया कोवलन को, ठीक है, और जब सेंटेंस ऑफ डेथ दिया तो आपको देखने को मिलेगा जो कनंगी जो उनकी जो वाइफ है कोवलन की, हु स्टिल लव हिम, क्योंकि वो अभी भी उनसे प्यार करती थी, एंड वॉज फुल ऑफ ग्रीफ एंड एंगर में थी कि भाई मेरे हस्बैंड के साथ कैसे इनजस्टिस हुआ है। तो कहा जाता है कि स्टोरी जो शिल्पादिकरम है इस स्टोरी को डिपिक्ट करता है किस तरीके से जो कनंगी जो उनकी वाइफ होती है उन्होंने उनके अंदर इतना ज़्यादा एंगर भर गया था कि भाई मेरे हस्बैंड के साथ जो है कहीं ना कहीं गलत हुआ, दैट्स वाई वो पूरी जो मदुराई सिटी है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है, क्यों, बिकॉज मदुराई सिटी में वो बेसिकली कोवलन जो है गए थे और उसी मदुराई सिटी में जो पांड्या किंग थे उन्होंने उसको कहीं ना कहीं सेंटेंस ऑफ डेथ दिया था। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है अ डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द शिल्पादिकरम, हेयर इज़ हाउ द पोइट डिस्क्राइब द कनंगी ग्रीफ, वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, ओ विटनेस ऑफ माई ग्रीफ यू कैन नॉट कंसोल मी, इट इज़ अ राइट दैट अवर योर बॉडी फेयर देन प्योर गोल्ड लाइज अनवॉश्ड हेयर इन द डस्ट, इट इज़ जस्ट दैट इन द रेड ग्लो ऑफ द ट्यूलाइट योर हैंडसम चेस्ट फ्रेम्ड विद द फ्लावर ब्रेथ लाइज थ्रोन डाउन ऑन द बेयर अर्थ वाइल आई रिमेन अलोन हेल्पलेस एंड अबैंडन टू डिस्पेयर, इज देयर नो गॉड, यहाँ पे कोई गॉड नहीं है, देयर इज नो गॉड इन दिस कंट्री, कैन देयर बी अ गॉड इन अ लैंड वेयर द स्वॉर्ड ऑफ द किंग इज यूज फॉर द मर्डर ऑफ इनोसेंट स्ट्रेंजर, इज देयर इज नो गॉड, नो गॉड। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा अनदर तमिल एपिक जो है वो है मनी
मनी मिकलई, ठीक है. इट वॉज कम्पोज्ड बाय सतनर, ने कम्पोज किया अराउंड 1400 ईयर्स को पहले. दिस डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ डॉटर ऑफ कोवलन, ठीक है. तो जो कोवलन अभी हमने देखा था, कोवलन और माधवी, तो उनकी एक बेटी होती है, ठीक है, उसकी स्टोरी बेसिकली यहाँ पर देखने को मिलेगी. दिस ब्यूटिफुल कम्पोजिशन वर लॉस्ट टू स्कॉलर फॉर मैनी सेंचुरीज तक उनको, मतलब इसके बारे में नहीं पता था, टिल द मैन्यूस्क्रिप्ट वर रीडिस्कवर्ड, ठीक है. जब मैन्यूस्क्रिप्ट को फिर से रीडिस्कवर्ड किया गया, तब जाके ये ब्यूटिफुल कम्पोजिशन के बारे में हिस्टोरियंस को पता चला. अबाउट 100 ईयर्स को पहले जो है इसके बारे में पता चला. अदर राइटर्स सच एस कालिदास को देखने को मिलेगा, अबाउट होम यू रीड चैप्टर नंबर 9. यानी हमने देखा था किस तरह से चंद्रगुप्त टू, यानी गुप्ता डायनेस्टी के अंदर चंद्रगुप्त टू थे, जो कि समुद्र गुप्ता के बेटे थे, उनके कोर्ट में आपको कालिदास मिलते हैं. हीरो इन संस्कृत में उन्होंने काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले उनका एक छोटा सा पोयम है, जहाँ पे बताते हैं वर्ड्स फ्रॉम द मेघदूता. हेयर इज़ अ वर्ड्स फ्रॉम कालिदास बेस्ट नोन पोयम, जो है मेघदूत, वहाँ पे देखने को मिलेगी. इन विच अ मॉनसून क्लाउड इज इमेजिन टू बी अ मैसेंजर बिटवीन द लवर्स हु वर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर. सी हाउ द पोइट डिस्क्राइब द ब्रीज दैट विल कैरी द क्लाउड नॉर्थवर्ड, अ कोल्ड ब्रीज डिलाइटफुल एज इट टच्ड विद द फ्रेग्रेंस ऑफ द अर्थ स्वेलन बाय योर शावर्स इनहेल्ड डीपली बाय द एलिफेंट्स एंड कॉजिंग द वाइल्ड फिग्स टू राइपन विल ब्लो जेंटली एज यू गो. तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो मेघदूत है, ठीक है, तो ये जो मेघदूत वाली जो स्टोरी है, यहाँ पे सिंपली जो आपके कालिदास है डिपिक्ट करना चाहते हैं कि एक यक्ष है, ठीक है, जो कि आपको देखने को मिलेगा एक स्वर्ग में रहने वाले यक्ष है और एक यक्षिणी है, ठीक है, जो कि कहाँ रहती है, अर्थ में रहती है. तो ये बेसिकली दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं, ठीक है. ऐसे स्टोरी में डिपिक्ट किया गया है कि यक्ष जो कि हस्बैंड है किसका, यक्षिणी का, ये स्वर्ग में रहता है और ये अर्थ में रहती है. और क्योंकि ये एक दूसरे से मतलब बात, मतलब कोई, मतलब वो एक मैसेज का कोई ट्रांसफ़र करने का कुछ तरीका नहीं है, तो दैट्स वाई वो क्या करते हैं, जो मेघदूत है, मतलब मेघ मतलब बेसिकली क्लाउड को बोला जाता है, मेघ दूत मतलब एक तरह से मैसेंजर. तो सिंपली क्या करते हैं, क्लाउड को मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि भाई तुम जो क्लाउड जो तुम एक तरह से मूव कर रहे हो, यहाँ से वहाँ जा रहे हो, तो क्या आप मेरे मैसेज को लेके जा सकते हो अर्थ तक बिकॉज आप इस तरह से मूव कर रहे हो. तो वो बेसिकली जो अपना मैसेज है अपनी वाइफ के लिए, किस तरह वो प्यार करते हैं अपनी वाइफ को, तो वो मैसेज जो है मैं कन्वे नहीं कर पा रहा अपनी वाइफ को, तो क्योंकि आप क्लाउड हो, आप मूव कर रहे हो, तो आप मेरा जो मैसेज है मेरी वाइफ तक पहुंचा दो. तो इस तरह की जो स्टोरी है आपको इस मेघदूत में दिखने को मिलेगी. तो उसको यहाँ पे एज अ पोइट्री के फॉर्म में जो है कालिदास के द्वारा डिस्क्राइब किया गया है. नेक्स्ट यहाँ पे है रिकॉर्डिंग एंड द प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज़ की यहाँ बात की गई है. अ नंबर ऑफ हिंदू रिलीजियस स्टोरी दैट वर इन सर्कुलेशन जो थी अर्लियर वो रिटन डाउन अराउंड द सेम टाइम पे लिखी गई है. दिस इंक्लूड द पुराण, तो पुराण जो होती है जैसे विष्णु पुराण हो गया, दुर्गा पुराण है, शिव पुराण है, तो वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी. तो पुराण का मतलब ही होता है ओल्ड, मतलब पुराना, ठीक है. तो जो पुराण है कंटेन्स करता है स्टोरीज अबाउट द गॉड एंड गॉडेसेस, यानी किस तरह से विष्णु जी कैसे आए थे, शिव जी कैसे आए थे, शिव जी की शादी कैसे हुई थी, मतलब उनकी जो पर्सनल चीज़ें हैं, मतलब उनके बारे में जो स्टोरीज़ है वो कहीं ना कहीं आपको पुराणों के अंदर देखने को मिलेगी. एंड दिस ऑल्सो कंटेन डिटेल्स ऑन हाउ दे वर वर्शिप्ड, यानी किस तरह से उनका पूजा जाता था, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगा. बिसाइड्स देयर आर अकाउंट अबाउट द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड अबाउट द किंग्स, यहाँ पे भी देखने को मिलेगा किस तरह से वर्ल्ड को क्रिएट किया गया है. द पुराण्स वर रिटन इन द सिंपल संस्कृत में लिखा गया है एंड दे वर मेंट टू बी हर्ड बाई एवरीबॉडी. और यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि भले ही संस्कृत में लिखा गया है बट यहाँ पे हर एक पर्सन को अलाउ किया गया है कि वो पुराण को पढ़ सकते हैं. बट अर्लियर हमें देखने को मिलेगा कि जो आपका अर्ली वैदिक एज था जहाँ पे वेदास वगैरह लिखे गए थे, जहाँ पे आपका सबसे पहले ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, इन सबको जो वेदास को पढ़ने और सुनने की जो इजाज़त थी सिर्फ आपके जो है ब्राह्मण्स को थी और क्षत्रियस को थी, ठीक है. वह नीचे के जो लोअर वर्ण के लोग थे उनको ये इजाज़त नहीं दी गई थी. बट पुराण में आपको देखने को मिलेगा इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया था, हर एक पर्सन जो है बेसिकली इसको पढ़ सकता था. एंड दे वर प्रोबेबली रिसाइटेड इन द टेम्पल बाय द प्रीस्ट, और टेम्पल्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा जो प्रीस्ट जब पूजा वूजा कर रहे हैं तो इसी पुराण को, यानी जब वो विष्णु पुराण है, इन सबको रिसाइट कर रहे हैं, सुना रहे हैं लोगों को, और लोग वहाँ बैठ के जो है उस चीज़ों को सुन रहे हैं. देन यहाँ पे देखने को मिलेगा टू संस्कृत एपिक है, महाभारत और दी रामायणा. दे हैव बिन पॉपुलर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, आपको पता ही होगा. सम ऑफ यू हैव बिन फेमुलर विद दी स्टोरीज. द महाभारत इज अबाउट अ वॉर फाउट बिटवीन द कौरव एंड द पांडवास, ठीक है. तो कौरव और पांडवास की जो
वॉर है उसके बारे में कहीं ना कहीं महाभारत में जिक्र किया गया है. और ये दोनों बेसिकली क्या होते हैं, कजन्स होते हैं. एंड दिस वॉज अ वॉर टू गेन कंट्रोल ऑफ द थ्रोन ऑफ द कुरु, यानी जो कुरु जो आपका एक कह सकते हैं एक महाजनपद था, उसका उसी गद्दी में बेसिकली कौन बैठेगा, उसको कंट्रोल करने के लिए ये वॉर बेसिकली दोनों कजन्स के बीच में लड़ी गई थी. मतलब कौरव और पांड्यास के बीच में लड़ी गई थी. और एंड देयर कैपिटल कौन सा था, हस्तिनापुर उनका कैपिटल था. द स्टोरी इटसेल्फ वाज एन ओल्ड वन, बहुत पुरानी है, विच वाज रिटन डाउन इन द फॉर्म ऑफ विच वी नो इट टुडे, अबाउट 1500 ईयर्स अगो पहले इसको लिखी गई है. बोथ द पुराण्स एंड द महाभारत आर सपोज टू हैव बीन कंपाइल्ड बाय व्यास, इन्होंने बेसिकली इसको कंपाइल की गई है. वही हम बात करें भगवद गीता की, अबाउट विच यू लर्न इन चैप्टर नंबर 8 में हमने देखा ही था, वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द महाभारत के अंदर आपको देखने को मिलेगा. द रामायण इज अबाउट राम के बारे में है. अब जो कि राम किस कह सकते हैं किस महाजनपद से बिलोंग करते थे, तो आपको याद होगा तो कौशाला जो महाजनपद है वहाँ से जो है बेसिकली राम बिलोंग करते थे. एंड उनको बाद में 14 साल का जो है वनवास मिल गया था, एग्जाइल कर दिया गया था. हिज वाइफ सीता वॉज अबंडेंट बाय द किंग ऑफ लंका, जो कि रावण था, उनके द्वारा उनको अबडक्ट कर लिया गया था. एंड इसके बाद हम देखने को मिलता है किस तरह से राम ने जो है फाइट करी थी रावण के साथ, और फाइनली जो सीता माँ को वो वापस अयोध्या लेके आए थे, जो उनका जहाँ पे मतलब उनका राज्य था. देन ही वॉन एंड रिटर्न टू द अयोध्या, द कैपिटल ऑफ कौशाला. ठीक है, तो याद रखना कि जो आपका कौशाला है यहाँ पे जो हमने पढ़ा था, आई होप आपको रिम्बर होगा, मैं आपको दिखा देती हूँ. तो ये 16 महाजनपद थे, उसमें जो ये वाला महाजनपद था कौशाला, इस कौशाला से बेसिकली आपके जो राम है वो बिलोंग करते थे. और इस कौशाला का जो कह सकते हैं कैपिटल था आपका अयोध्या, वहाँ पे बेसिकली वो रहते थे. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है लाइक द महाभारत दिस वॉज ओल्ड स्टोरी, महाभारत की तरह ये भी आपका जो रामायण है काफ़ी ओल्ड स्टोरी है, जिसको लिखा गया है वाल्मीकि जी के द्वारा, एंड जो कि बेसिकली इट इज रिकॉग्नाइज एज द ऑथर ऑफ द संस्कृत रामायण. नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है स्टोरीज टोल्ड बाई ऑर्डिनरी पीपल. अब ऑर्डिनरी पीपल के बारे में किस कैसे हमें जानकारी मिली है, तो ऑर्डिनरी पीपल्स ऑल्सो टोल्ड स्टोरीज कम्पोज पोएम, मतलब वो भी स्टोरीज वगैरह बोलते थे, पोएम्स को कंपोज किया करते थे, सॉन्ग्स गाते थे, डांस करते थे, परफॉर्म करते थे प्लेस को. एंड सम ऑफ दीज प्रिजर्व इन द कलेक्शन ऑफ स्टोरीज सच एज जटाकास एंड द पंचतंत्र, यानी जो जटाकास है और जो पंचतंत्र है इसके इन स्टोरीज़ के थ्रू जब हम इनको पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है लोगों के बारे में कि वहाँ पे जो ऑर्डिनरी पीपल थे वो किस तरीके से गाना गाते थे, क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करते थे, कौन सा प्ले वो परफॉर्म किया करते थे, किस तरह की स्टोरीज़ वो गाते थे, तो उनके बारे में भी हमें जानने को मिलता है. विच वर रिटन डाउन अराउंड दिस, इसी टाइम के अराउंड जो इसको लिखा गया था, स्टोरीज फ्रॉम द जटाकास वर ऑफन शोन इन द रेलिंग ऑफ द स्तूपास एंड पेंटिंग्स इन विच द सच एज अजंता, एंड अजंता की जब आप पेंटिंग्स को देखोगे तो उन पेंटिंग्स में भी कहीं ना कहीं आपको वो छोटी छोटी स्टोरीज आपको देखने को मिलेंगी. ठीक है, उन स्टोरीज़ में क्या दिख रहा है कि किस तरह से लोग जो है परफॉर्म कर रहे हैं, प्ले परफॉर्म कर रहे हैं, कहीं पर कुछ लोग डांस कर रहे हैं, कहीं पर कुछ गाना वाना गा रहे हैं. सिमिलरली जो आपकी जो स्तूपास की रेलिंग है वहाँ पे भी आपको ये जटाक जो जातक स्टोरीज है बेसिकली वो आपको देखने को मिलेंगी. ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे एक स्टोरी है, द स्टोरी ऑफ मॉन्की किंग. तो यहाँ पे बेसिकली बताया जाता है कि वंस अपॉन अ टाइम देर वॉज अ ग्रेट मॉन्की किंग हुआ करता था, जो कि कहाँ रहता था, गंगा की बैंक्स के आसपास इन द हिमालयाज में, विद 80,000 फॉलोअर्स थे उसके, एंड दे फिड ऑन द फ्रूट ऑफ अ स्पेशल मैंगो ट्री के ऊपर बैठा रहता था, जो कि वो ऐसे मैंगो ट्री था जो काफ़ी ज़्यादा स्वीट था, मीठा था. सच एक्विजाइट मैंगोज डिड नॉट ग्रो ऑन द प्लेन्स, यानी ये जो मैंगो ट्रीज़ की खास बात ये थी कि सिर्फ वो हिमालयंस के रीजन में ही ग्रो किया करते थे, जो प्लेन एरिया है वहाँ पे वो ग्रो नहीं करते थे. तो वन डे अ राइट मैंगो फेल इन टू द ट्री, तो एक दिन क्या होता है वो जो ट्री है जहाँ पे वो बंदर बैठा रहता था जो मैंगो खाता था, वहाँ से उस ट्री से बेसिकली मैंगो जो है टूट कर नदी में गिर जाता है, क्योंकि वो ट्री कहाँ पे गंगा रिवर के पास है, तो गंगा से बहता 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 वो आपको देखने को मिलेगा एक पर्टिकुलर आई थिंक वाराणसी में चले जाता है. ठीक है, तो वन डे राइट मैंगो फेल इन टू द रिवर फ्लोटेड ऑल द वे ऑफ वाराणसी में पहुँच जाता है. देयर द किंग ऑफ द सिटी हु वॉज बाथिंग इन द रिवर फाउंड इट, तो वही वाराणसी में आपको देखने को मिलेगा किंग है जो नदी में नहा रहे होते हैं, उनको वो बेसिकली वो मैंगो मिल जाता है. एंड इट वॉज अमेज्ड वैन ही टेस्टेड, जैसे वो टेस्ट करते उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है. ही आस्क्ड द फॉरेस्टर ऑफ हिज किंगडम वेदर दे कुड फाइंड द ट्री फॉर हिम,
एंड दे लेड हिम ऑल द वे टू द हिमालयस. ठीक है, उन्होंने फिर अब किंग ने क्या किया, बेसिकली अपने जितने भी फॉरेस्टर्स हैं उन सबको, जो भी किंगडम के आसपास जो भी फॉरेस्टर्स हैं उन सबको बोल दिया कि भाई मुझे ये आम का जो ट्री है कहीं से भी ला के दो. तो ऐसे ऐसे खोज खोज करते करते उन्हें पता चलता है कि वो जो आम का ट्री है वो हिमालय में है बेसिकली. दे आर द किंग एंड हिज कोर्टियर्स हैड देयर फुल ऑफ मैंगोस एट नाइट. आपको देखने को मिलेगा द किंग डिस्कवर्ड दैट द मंकी वर ऑल्सो फीस्टिंग ऑन द फ्रूट. वो भी उस फ्रूट के कारण डिसाइडेड टू किल देम. और ऑब्वियसली राजा को उस फल से मतलब था और फल तब तक नहीं खा पाएंगे तब मंकी बैठे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब इसको मार देते हैं. हाउ एवर द किंग ऑफ द मंकी जो थे वर्कड आउट ऑन अ प्लान टू सेव हिज फॉलोवर. वहाँ पर मंकी लोग कहीं ना कहीं अपने अपनी जान को बचाने के लिए कहीं ना कहीं प्लान कर रहे थे. ही ब्रोक ऑफ द ब्रांचेज ऑफ द मैंगो. उन्होंने क्या किया, जो मैंगो की ब्रांचेज थी उसी को तोड़ दिया एंड टाइड देम टू फॉर्म अ ब्रिज. और उसको ब्रांचेस को तोड़कर एक ब्रिज की तरह फॉर्म कर दिया अक्रॉस द रिवर, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाए और उनकी जान बेसिकली बच जाए. एंड हेल्ड ऑन टू एंड एंटिल ऑल द फॉलोवर्स क्रॉस द बेसिकली रोम. एग्जॉस्टेड विद द एफर्ट ही फेल डाउन एंड लेज डाई. यानी कितना ज़्यादा एफर्ट के बाद जो मॉन्की किंग होता है बेसिकली वो गिर जाता है निकल में और वो उसकी डेथ हो जाती है. द ह्यूमन किंग सॉ वट हैड हैपन कि क्या हो गया एंड ट्राइड अनसक्सेसफुली टू रिवाइव द मॉन्की. और वो कहीं ना कहीं उस मॉन्की को बचाने में बेसिकली अनसक्सेसफुल हो जाते हैं. वैन ही डाइड द किंग अवॉर्डेड हिज डेथ एंड पेड हिम फुल रिस्पेक्ट. उसको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट भी प्रोवाइड करता है. तो ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि दिस स्टोरी शोन ऑन द पीस ऑफ अ स्कल्पचर फाउंड फ्रॉम अ स्तूप एट बरहूत इन सेंट्रल इंडिया. यानी सेंट्रल इंडिया में जो बरहूत है वहाँ पे कहीं ना कहीं ये स्तूपा मिला हुआ है. उस स्तूपा के अंदर आपको ये पीस ऑफ स्क्रप्चर देखने को मिलेगा और इस स्क्रप्चर में जो है इस पोएम को यहाँ पे शो किया गया है. तो यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से ये आपको ट्री देखने को मिलेगा. इसमें बहुत सारी मॉन्कीज हैं और यहाँ पे बेसिकली आपको देखने को मिलेगा जो राजा है किस तरीके से वो इस ट्री के पास जो है मैंगोज़ को खाने के लिए वो आते हैं और फिर किस तरीके से वो नदी में गिर जाता है. तो ये जो स्टोरी है जो यहाँ पर बताई गई है वो इसके थ्रू हमें जानने को मिलती है. नेक्स्ट टॉपिक है राइटिंग बुक्स ऑन साइंस. यानी साइंस के ऊपर भी हमें कुछ कुछ बुक्स मिली हैं इस पीरियड में गुप्ता पोस्ट गुप्ता के टाइम पे. दिस वाज आल्सो द टाइम वेयर आर्यभट्ट अ मैथमेटिशियन एंड द एस्ट्रोनॉमर थे रोट अ बुक इन संस्कृत में. उन्होंने बुक लिखी है नोन एज द आर्यभट्टियम. ही सेड दैट द डे एंड नाइट वर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ. यानी उस टाइम पे आप सोच सकते हो उस टाइम पे उन्होंने ये चीज़ बता दी थी कि जो डे और नाइट हम देखते हैं वो क्यों होती, बिकॉज अर्थ जो है बेसिकली अपनी एक्सिस की तरफ रोटेट करती है. इवन दो इट सीम एज इफ द सन इज राइजिंग एंड द सेटिंग एवरी डे हमें देखने को मिलता है. ही डेवलप्ड अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर इक्लिप्स एज वेल. यानी इक्लिप्स किस तरीके से होता है, यानी सूरज मून के पीछे आपको देखने को मिलेगा, सन के पीछे बेसिकली मून आता है, इसके वजह से जो लाइट है कहीं ना कहीं वो देखने को मिलती है. तो ही वॉज फाउंड अ वे ऑफ कैलकुलेटिंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल. यानी जो पाई है ठीक है, एंड जो फॉर्मूला उसने दिया था पाई का वो भी कहीं ना कहीं उसमें देखने को मिलता है कि उस टाइम पे उन्होंने बता दिया था. एंड विच इज़ नियरली एज एक्यूरेट एज द फॉर्मूला वी यूज टूडे. ठीक है, यानी आज जो पाई की वैल्यू है 3.14 आई थिंक इतनी होगी 22/7. ठीक है, तो ये जो वैल्यू है उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली उस टाइम पे उन्होंने डिस्कवर कर दी थी. नेक्स्ट यहाँ पर बोला है वी यूज टूडे. ठीक है, वारा मेहरा एंड ब्रह्मगुप्ता एंड भास्कराचार्य वर सम अदर मैथमेटिशियन थे एंड एस्ट्रोनॉमर्स थे हु वर सेवरल डिस्कवरी. जिन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज करी थी उस पर्टिकुलर टाइम पे. अगर हम बात करें जीरो की तो वाइल न्यूमेरिकल्स हैव बीन यूज अर्लियर मैथमेटिशियंस इन इंडिया नाउ इन्वेंटेड अ स्पेशल सिंबल फॉर जीरो. ठीक है, दिस सिस्टम ऑफ काउंटिंग वॉज अडेप्टेड बाई द अरब्स. और जो सिस्टम था काउंटिंग का कि पहले जीरो होगा फिर 1, 2 एंड 3 हम कह सकते हैं इसको अडेप्ट कर लिया था अरब्स ने एंड दे स्प्रेड टू द यूरोप. फिर वो यूरोप में इस आइडिया को लेके गए थे एंड उन्होंने कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट जो है खुद लिया. बट क्योंकि हम जानते हैं हमने कहीं ना कहीं हमारे पास जो रिकॉर्ड्स उसके थ्रू पता चलता है कि जो जीरो का जो इन्वेंशन है वो कहीं ना कहीं आर्यभट्ट के द्वारा किया गया है. ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं द रोमन यूज अ सिस्टम ऑफ काउंटिंग विदाउट यूजिंग जीरो. क्योंकि वो बिना जीरो के जो है काउंटिंग किया करते थे, इससे पता चलता है. आयुर्वेदा की बात करें तो आयुर्वेदा इज़ वेल नोन सिस्टम है हेल्थ साइंस का, जो कि आज भी हमारे टाइम पे यानी एंशियंट इंडिया से वो डेवलप हुआ था और आज भी हम इसको आयुर्वेदा को फॉलो करते हैं. द टू फेमस प्रैक्टिशनर्स जो आयुर्वेदा की इन एंशियंट इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे, पहला है चरक जो कि 1st and 2nd century में आए थे एंड दूसरा है सुश्रुत. ठीक है, जो कि 4th century CE में आए थे. चरक ने अपनी चरक संहिता लिखी है.
ठीक है, जो कहीं ना कहीं बेसिकली मेडिसिन के बारे में बताता है, एंड जो आपकी शुश्रुता संहिता है वो कहीं ना कहीं बताता है सर्जिकल प्रोसीजर के बारे में कि अगर मान लो ये कुछ हो जाए तो सर्जिकल मतलब किस कौन से प्रोसीजर के थ्रू क्या सर्जरी करनी है उसको ठीक करने के लिए, वो कहीं ना कहीं इस संहिता में आपको देखने को मिलेंगी। तो काफ़ी बेस्ट जो है एग्जाम्पल्स है जो शो करते हैं कि एंशियंट टाइम से ही इंडिया काफ़ी ज़्यादा एडवांस था, नॉट इन आर्किटेक्चर पे ही, बट ये जो साइंस की जो फील्ड है वहाँ पे भी कहीं ना कहीं इंडिया का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, ठीक है, जिसे कहीं ना कहीं हमारे जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इसको डिस्कवर करने की कोशिश की है। बाकी आप ये एंड में देखोगे कुछ डेट्स वगैरह टाइमलाइन बता रखी है, जो कि ऑलरेडी हमने टाइम टू टाइम जो हमने इसको डिस्कस किया है तो ऑलरेडी हमने डेट्स को देख लिया है, तो आप भी एक बार इसको चाहो तो रिकॉल कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया गया है पैलोलिथिक के बारे में कि अराउंड मिलियन ऑफ ईयर्स अगो एंड 2 मिलियन ईयर्स अगो के बारे में देखने को मिलता है, बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग मेहरगढ़ में अराउंड 6000 BC के टाइम पे बात की जा रही है, हरप्पा जो है फ्लरिश हुआ था 2700 से लेकर 1900 BC के टाइम पे, ऋग्वेद कंपोज किया गया था 1500 से 1000 BC के टाइम पे, देन महाजनपद और सिटीज़ वगैरह फॉर्म होते हैं गंगास के आसपास, एंड उपनिषद जैनिज्म और बुद्धिज्म देखने को मिलते हैं अराउंड 500 BC के टाइम पे, अलेक्जेंडर इन्वेट करता है नॉर्थ वेस्ट एरिया पे 327 से 325 BC के टाइम पे, चंद्रगुप्ता जो मौर्यन किंग है वो अपना कब आते हैं वो पावर में 321 BC में, अशोका का जो रूल है करीबन आपको देखने को मिलेगा 272 अप्रॉक्सीमेटली 268 से 231 BC के टाइम पे, जो संगम टेक्स्ट का जो कंपोजिशन हुआ है वो करीबन 300 BC से लेकर 300 CE के टाइम पे हुआ है, देन कनिष्क का जो अपने पावर में आए थे वो 78 से 100 CE के टाइम पे, एस्टैब्लिशमेंट जो हुआ है गुप्ता एम्पायर का वो 320 CE के टाइम पे हुआ है, देन कंपाइलेशन ऑफ जैन टेक्स्ट का आपको देखने को मिलेगा वाला भी जो कि कब हुआ है 512 या 521 CE के टाइम पे, द रूल ऑफ हर्षवर्धना 606 से लेकर 647 CE के टाइम पे हुआ है, ज्वेंग ज़ैंग जो है इंडिया में आए थे गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे कब 630 से लेकर 643 CE के टाइम पे, देन रूल ऑफ पुलकेशिन टू आपको देखने को मिलेगा 609 से 642 CE की तरफ, ठीक है। इन सम केसेस फॉर एग्जांपल द डेट फ्रॉम व्हेन अशोका बिगेन टू रूल, यानी अशोका जब अपने पावर पे आए थे तो वहाँ पे कई बार आपको देखने को मिली वहाँ से स्टार्ट की गई है, यू मे फाइंड दैट मोर देन वन डेट इज शोन आपको देखने को मिले, अशोका जब से रूल में आया है तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक से ज़्यादा डेट आपको देखने को मिले, कुछ इस डेट को मानते हैं कुछ इस डेट को मानते हैं, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज द हिस्टोरियंस हैव नॉट इवन एबल टू एग्री ऑन विच इज़ द करेक्ट डेट क्या है, ठीक है, डेट वर क्वेश्चन मार्क आफ्टर देम इंडिकेट दैट दीज आर अनसर्टेन है, बिकॉज एग्जैक्टली किसी को नहीं पता, कहीं ना कहीं हम लोग जो भी हमें सोर्सेज मिलते हैं चाहे वो लिटरेरी सोर्स हो आर्कोलॉजिकल सोर्स हो तो उन्हीं के थ्रू हमें कहीं ना कहीं सब चीज़ों के बारे में पता चल पाता है कि कौन सी डायनेस्टीज अप्रॉक्सीमेटली कब आई होगी पावर में, ठीक है। तो ये फाइनल चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर 10 फिनिश हो चुका है, एंड यहाँ पे हम कह सकते हैं हमारी जो क्लास 6 की जो NCERT है वो फिनिश हो गई है अच्छे से। कोई भी डाउट हो आपको इस पर्टिकुलर 6 NCERT जो कि हिस्ट्री की NCERT है इसमें किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछ सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर आपने जो 6 क्लास की NCERT जो भी पढ़ी हुई है पहले से या फिर जो उस वीडियोज़ के थ्रू पढ़ रहे हैं, एक चीज़ आप नोटिस करें कि यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है डिटेल में नहीं बता रखी है, ठीक है, क्यों, बिकॉज ऑब्वियसली वो बिगनिंग ऑफ दी क्लास की यहाँ पे बात की जा रही है, क्योंकि 6 क्लास में कितनी इन्फॉर्मेशन आप एक बच्चे को दे पाओगे, ठीक है, बट एक स्टार्टिंग में जो होता है थोड़ा बहुत उसको पता चलता है हिस्ट्री के बारे में, तो वहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें इसमें यहाँ पर मैंशन की गई है, बट इसकी कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो इन्फॉर्मेशन आपके पास आती चली जाएंगी, एंड लेटर ऑन जब हम मेनली जो स्टैंडर्ड बुक्स जो ऑब्वियसली UPSC के लिए हर एक स्टूडेंट जो भी एस्पायरेंट है UPSC का फॉलो करता है तो वो सारी बुक्स को भी हम रेफ़र करेंगे, चाहे वो एंशियंट हो मेडिवल हो मॉडर्न हो या फिर आपका जो भी आर्ट एंड कल्चर की जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको भी हम डिटेल से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको वीडियोज़ पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 7th की NCERT को स्टार्ट करेंगे।